तो देखो प्यारे बच्चों, अगर इस वाले सवाल को देखोगे तो बेसिकली ये आसान क्वेश्चन है, यहाँ से सारे डिफिकल्ट नहीं है। तो फोर्स टाइम ग्राफ है, पार्टिकल लीनियर मोशन शोन इन फिगर। तो अगर तुम देखोगे यहाँ से ये जो फोर्स है और यहाँ से ये जो टाइम है, इसका ग्राफ दिया हुआ, तो यहाँ पर जो टाइम है 8 सेकेंड है और यहाँ पर समय 0 है, तो ये वाला जो कर्व है आधा है और ये उतना ही बराबर है। और ये दोनों मिल के अगर तुम देखोगे, ये दोनों मिल के ये वाला जो है, ठीक है, इसको आधा यहाँ तुम देखोगे, इसका आधा यहाँ, इसका आधा है, तो नीचे का जो एरिया जितनी निगेटिव है ऊपर उतनी एरिया पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर ये एरिया प्लस ए है तो ये वाली जो एरिया है, ये वाली जो एरिया है वो -a/2 और +a/2, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये माइनस ये एरिया नीचे है और प्लस ए एरिया ऊपर है। तो अगर मुझे निकालना है लीनियर मोमेंटम, तो जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है dp ऊपर dp, तो dp रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाई dt, और फोर्स और टाइम का मल्टीप्लीकेशन अगर देखोगे तो ये एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ft कर्व। ft कर्व का जो एरिया होगा, एरिया अंडर द कर्व, वो चेंज इन मोमेंटम देगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो एरिया है, टोटल एरिया अगर 0 है तो चेंज इन मोमेंटम जो है क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब बी ऑप्शन सही है। थैंक यू बेबा, टेक केयर।